हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ गुरदीप एंड वेलकम टू एडवांस एग्रीकल्चर क्लासेस। टुडे इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ बायोडाइवर्सिटी। आज हम बायोडाइवर्सिटी के बारे में स्टडी करेंगे कि बायोडाइवर्सिटी क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू यू थिंक बायोडाइवर्सिटी मीन्स? तो बायोडाइवर्सिटी क्या है, तो सबसे पहले मैं आपको कुछ फिगर्स के थ्रू समझाना चाहूँगा जिससे कि आप बहुत ही ईजिली और आसानी से समझ जाएँ कि मैं बायोडाइवर्सिटी से क्या समझाना चाह रहा हूँ कि बायोडाइवर्सिटी क्या है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। सो लेट अस स्टार्ट लेक्चर। सो बायोडाइवर्सिटी मीन्स, बायो मीन कुछ जीवित हो जिसमें कि लाइफ हो, दैट इज़ बायो। डाइवर्सिटी मीन्स कि उसमें कितनी भिन्नता है या कितनी उसमें डिफ्रेंशिएबिलिटी है। डाइवर्सिटी मीन वैरायटी, उसमें कितनी भिन्नता है। तो मिलके हम कि जीवन में कितनी भिन्नता है या कितनी उसमें अलग अलग तरह के जीव हैं। तो यहाँ पे मैंने दो स्क्वायर्स दिखाए हैं, तो इनमें एक प्लेन है, एक में कुछ डॉट्स, ब्लैक डॉट्स शो किए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चार पांच फिगर्स देखने के बाद समझ आ जाएगा कि मैं बायोडाइवर्सिटी के बारे में क्या कहना चाह रहा हूँ। तो देखो, ये इधर ब्लैक डॉट्स हैं और इसमें कुछ रेड, येलो, ग्रीन डॉट्स ने एंट्री कर ली है, जिससे कि हमारी ब्लैक डॉट्स कम हो गए हैं। नेक्स्ट फिगर में हम देखते हैं कि उस फिगर में थे वो आके ए में ट्रांसफ़र हो गए हैं, और उसमें कुछ नए और भी ऐड हो गए हैं, और कलर के साथ साथ में कुछ शेप्स में भी चेंज आ गया है। पहले सब राउंड थे, अभी इनमें शेप में भी चेंज आ गया है, तो ये डाइवर्सिटी की ओर जा रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं इस शेप में, शेप का ट्रांसफॉर्मेशन इस साइड हो गया है, लेकिन शेप का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है, इसमें सब के सब चेंज हो गए हैं, और जो बैकग्राउंड था वो सेम ना रह के वो बैकग्राउंड भी चेंज हो गया है। शायद ये कुछ ऐसा शो हो रहा है, कुछ ड्राई हो गया है, समथिंग इज़ मिसिंग देयर, तो कुछ नुकसान हुआ ऐसा लग रहा है। तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब है कि जो नई नई स्पीशीज़ हैं उसका जब हम क्रॉस करके या किसी भी तरीके से जो ओल्ड स्पीशीज़ में कुछ नई स्पीशीज़ की एंट्री करवा रहे हैं, कुछ नई स्पीशीज़ पैदा कर रहे हैं, या तो हाई यील्डिंग हो या उनसे हमको ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है, हम उससे बेनिफिट तो ले रहे हैं, लेकिन उसका नुकसान ये है कि जो हमारी ओरिजिनल स्पीशीज़ थी, ओरिजिनल बायोलॉजिकल लाइफ थी, वो डिस्ट्रॉय हो रही है। वो डिस्ट्रॉय होने के बाद हमारा एनवायरनमेंट भी अफेक्ट हो रहा है, जैसे कि इसमें हम देख रहे हैं कि एनवायरनमेंट पे एडवर्स इफेक्ट हुआ है, ये सब येलो हो गया है, सूखा हुआ लग रहा है। सो लेट अस सी व्हाट इज डाइवर्सिटी बाय डेफिनेशन। रेफर्स टू द नंबर, वैरायटी एंड वेरिएबिलिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड इकोसिस्टम। कि जो किसी इकोसिस्टम में, मैंने इकोसिस्टम के बारे में पिछले लेक्चर में डिस्कस किया है, अगर आप डिटेल्स में स्टडी करना चाहते हैं इकोसिस्टम की, तो प्लीज़ आप इकोसिस्टम चैप्टर को रेफ़र करें, जिससे आपको उसमें डिटेल में इकोसिस्टम के बारे में पढ़ पाएंगे। सो जहाँ पे कि इकोसिस्टम में डिफरेंट नंबर्स हो, डिफरेंट वैरायटी हो, और उन वैरायटी में वेरिएबिलिटी हो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, उसी को हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं एट ए सेम लेवल। इंक्लूड ऑल टेरेस्ट्रियल, मैराइन एंड अदर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। ये सब टेरेस्ट्रियल जो अर्थ पे रहते हैं, मैराइन जो पानी में रहते हैं, मैराइन मीन्स की जो सी वाटर की बात हो रही है, एक्वेटिक मीन्स जो पॉन्ड्स है, लेक्स में रहते हैं, इन सब ऑर्गेनिज्म को इंक्लूड करता है, मीन्स ऑल ओवर द यूनिवर्स और वर्ल्ड। से कवर्स डाइवर्सिटी विद इन स्पीसीज एज वेल एज वेरिएशन अमंग इकोसिस्टम्स। तो ये एक दो स्पीसीज़ के बीच में भी कर रही है, और ये एक स्पीसीज़ का इकोसिस्टम है, ये इकोसिस्टम है, इन इकोसिस्टम्स के बीच में भी वेरिएबिलिटी की स्टडी कर रही है, वेरिएबिलिटी को नोट कर रही है, वही बायोडाइवर्सिटी है। सो फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द डिग्री ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो डिग्री ऑफ बायोडाइवर्सिटी मीन्स कि कितना वहाँ पर डाइवर्सिटी आ गई है, कितने चेंजेस आ गए हैं। तो वो कैसे, कौन से फैक्टर्स हैं? हैबिटेट स्ट्रेस, जियोग्राफिकल आइसोलेशंस, डोमिनेंस बाय वन स्पीसीज, अवेलेबिलिटी ऑफ इकोलॉजिकल नीचेस, एज इफेक्ट, जियोलॉजिकल हिस्ट्री।
ये इतने फैक्टर्स हैं कि जो बायोडाइवर्सिटी को अफेक्ट करते हैं। देन टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, तो बायोडाइवर्सिटी के टाइप्स कौन से हैं? जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी ऑफ जीन विद इन ए स्पीसीज, तो एक ही स्पीसीज के जो जीन्स में डाइवर्सिटी है उसको हम जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी या सिंपली डाइवर्सिटी बोलते हैं। जेनेटिक वेरिएबिलिटी अमंग द पॉपुलेशन एंड इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज, जो सेम स्पीसीज में है उसको हम जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। नेक्स्ट है स्पीसीज डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी अमंग स्पीसीज इन एन इकोसिस्टम, तो एक इकोसिस्टम की जो स्पीसीज है उसमें जो बायोडाइवर्सिटी है उसको हम स्पीसीज डाइवर्सिटी या स्पीस बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स आर एक्सलेंट एग्जाम्पल्स ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी, तो हॉटस्पॉट्स कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं या ऐसे इनको चीज इनको कहते हैं जहाँ पे कि हम किसी स्पीसीज के विलुप्त हो जाने का, एक्सटिंक्ट हो जाने का खतरा हो, मीन्स कि जहाँ पे हमको डाइवर्सिटी को रोकना चाहिए या उस पर ध्यान देना चाहिए, उनको हम हॉटस्पॉट्स बोलते हैं। देन इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, तो इकोसिस्टम डाइवर्सिटी क्या है? डाइवर्सिटी एट द हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इकोसिस्टम, तो हायर लेवल पे जो इकोसिस्टम में डाइवर्सिटी है उसको हम इकोसिस्टम डाइवर्सिटी बोलते हैं। टू डू विद द वैरायटी ऑफ द इकोसिस्टम्स ऑन द अर्थ, ये हम डिफरेंट अर्थ्स पे डिफरेंट अर्थ के डिफरेंट इकोसिस्टम्स पे देखते हैं, मींस कि हम स्मॉल से लेके लार्जर की ओर जाए, पहले जेनेटिक, फिर उसके बाद स्पेसिक, उसके बाद इकोसिस्टम, तो इनमें तीनों में हम देख रहे हैं कि डाइवर्सिटी क्या है। देन देर आर थ्री कंपोनेंट्स ऑफ डाइवर्सिटी, वहाँ डाइवर्सिटी के तीन कंपोनेंट्स हैं, कौन से हैं देखते हैं। डाइवर्सिटी ऑफ जीन्स, जीन्स मैंने पहले बोला, जेनेटिक, चिनुआस, बेंगल्स एंड रोटवेल्स आर ऑल द सेम स्पीसीज, ये सेम स्पीसीज है बट दे आर नॉट सेम बिकॉज देयर इज वैरायटी इन देयर जीन्स, तो हमने ये तीन डॉग्स की दिखाई है, जीन्स दिखाए हैं जिनमें कि जीन में वैरायटी है लेकिन स्पीसीज सेम है। स्पीसीज सेम के बाद भी इसमें देखो शेप में, साइज में, कलर में, उसकी फिजियोलॉजिकल बनावट में, उनमें डिफरेंस है, तो इस तरह से ये सेम स्पीशीज़ के होने के बाद भी इनमें वेरिएबिलिटी है, इसको हम जेनेटिक डाइवर्सिटी बोलते हैं। नेक्स्ट है डाइवर्सिटी ऑफ नंबर ऑफ स्पीशीज, तो अब नंबर ऑफ स्पीशीज़ में देखते हैं कि देखो अलग अलग है, फॉर एग्जाम्पल मंकीज, ड्रैगन फ्लाइज एंड मिडोस ब्यूटीज आर ऑल डिफरेंट स्पीशीज, तो वो तो सेम स्पीशीज़ की बात थी, अगर हम डिफरेंट स्पीशीज़ के बारे में देखते हैं, देखो ये मंकी दिखाया है, किसी एक साकी मंकी जीन का है, स्पीशीज़ का है, ये गोल्डन स्किमर बनाया है और ये मिडो ब्यूटी बताया है, तो इन तीनों में वेरिएबिलिटी है, तीनों के डिफरेंट फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स हैं, इनके फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, इनकी रिक्वायरमेंट अलग है, तो इनमें पूरा टोटली डिफरेंट है ये तरह के, तो इस तरह की जो डिफरेंट तरह की स्पीसीज़ हैं इनमें जो डाइवर्सिटी है इसको हम स्पीसीज डाइवर्सिटी बोलते हैं। नेक्स्ट है स्पीसीज़ इज़ डिफ़िकल्ट टू डिफाइन एग्जैक्टली, लेकिन हम एक स्पीसीज़ को डिफ़ाइन करना बहुत मुश्किल होता है कि हम उसे कैसे डिफ़ाइन करें, लेकिन डिफरेंट स्पीसीज़ के स्ट्रक्चर्स और उनके कलर्स या उनके जो भी उनकी बायोलॉजी है वो डिफरेंट होती है। नेक्स्ट है एक ग्रुप ऑफ मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर क्रिएचर्स विच कैन, किसको हम बोल सकते हैं स्पीसीज़, इंटरब्रीड टू प्रोड्यूस द फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स, तो एक इसको हमने डिफरेंट डेफिनेशंस दिए स्पीसीज़ को, देखो स्पीसीज़ को, तो ये कौन सी हैं जो कि इंटरब्रीड कर सकते हो, दे कैन रिप्रोड्यूस आइसोलेटली रिप्रोड्यूस कर सकते हो, लेकिन इन डेफिनेशंस में कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि कुछ चीज़ को डिफाइन नहीं कर रही हैं, वो कौन सी चीज़ें हैं, एक्सटिंक्ट क्रिएचर्स एग्जाम्पल टीरेक, तो कुछ ऐसे भी क्रिएचर्स हैं जो कि ख़त्म हो गए, हो सकता है कि वो सेम हो, क्रिएचर्स हु ब्रीड सेक्सुअली एग्जाम्पल बैक्टीरिया, लेकिन हमने तो बोल दिया कि इंटरब्रीड कर सकते हो, लेकिन कुछ तो ऐसे होते हैं जो कि असेक्सुअली ब्रीड करते हैं जैसे बैक्टीरिया, उनको हम किस में रखें, क्रिएचर्स हु कांट बी टेस्टेड एथिकली एग्जाम्पल मैन एक्स चिंपेंजी, तो कुछ को हम एथिकली एग्जाम ही नहीं कर सकते, नहीं है टेस्ट ही नहीं कर सकते हैं, तो उनको हम किस कैटेगरी में रखें या किस स्पीसीज में रखें, तो ये कन्फ्यूजन करती है। एनीवे क्रिएचर हु आर रिलेटेड थ्रू
फिजियोलॉजी, तो उस ऐसे क्रिएचर्स जो कि फिजियोलॉजी के थ्रू रिलेटेड है उसको भी हम स्पीशीज बोलते हैं। जैसे सिमिलर डीएनए हो उसका, सिमिलर प्रोटीन्स हो उसके ब्लड में, सिमिलर बायोकेमिस्ट्री हो, सिमिलर एम्ब्रोलॉजी हो, तो अगर ये सब उसमें फीचर्स हैं तो भी हम उसको सेम स्पीशीज में मान सकते हैं। तो हम देखते हैं डीएनए प्रोफाइल क्या है। तो कुछ हमने यहाँ पे गिबन टू मैन दिखाया कि इसमें जो डीएनए सिमिलरिटी है कितनी है। देखो जो गिबन है उसमें अबाउट वी कैन से 93-94% सिमिलर है मैन के। देन ऑरंगुटान है अबाउट 95%, देन फॉर गोरिल्ला अबाउट 97%, फॉर चिंपैंजी इट इज़ अबाउट 99%, एंड फॉर मैन इट इज़ अबाउट 100% सिमिलर डीएनएज हैं इन सब में आपस में। तो इस तरह से हम इनको एक सेम स्पीशीज में रख सकते हैं। ह्यूमन शेयर्स 98-90% ऑफ दियर डीएनए विद चिंपैंजीज, यानी चिंपैंजीज के साथ 98-99% उनका डीएनए सेम, मतलब दे आर आवर क्लोजेस्ट लिविंग रिलेटिव। तो ह्यूमन के जो क्लोजेस्ट लिविंग रिलेटिव है वो चिंपैंजी है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म कैसे हैं, देखो ह्यूमन है, मंकीज हैं, पिग्स हैं, डक्स, टर्टल्स, फिश, मोट, कैंडिला, ये कुछ हमने ऑर्गेनिजम्स दिखाए हैं जिसमें कुछ सिमिलरिटी है। टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड नंबर ऑफ अमीनो एसिड डिफरेंस कंपेयर टू ह्यूमन साइटोक्रोम। तो इसमें जो कंपेयर में दिखाया है कितना कितना उसमें है, ह्यूमन में अगर जीरो है तो इसी तरह से कैंडिला में अबाउट 50 है। तो इस तरह से हमने उनको रिलेटिवली दिखाया है ह्यूमन के। नेक्स्ट है थर्ड जो हमने बात की थी डाइवर्सिटी टाइप की, वो है वैरायटी ऑफ इकोसिस्टम। पहले हमने जेनेटिक देखा, दूसरा हमने स्पेसिफिक देखा, आई मीन स्पीसीज में देखा, थर्ड हमने इकोसिस्टम देखते हैं। लेक, पॉन्ड, रिवर्स ऑल आर फ्रेश एंड फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, ये सब फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है। कुछ मैराइन इकोसिस्टम्स भी है, रॉकी कोस्ट, सैंड डम, सैंड ड्यून्स, एस्चुरी, साल्ट मार्श, कोरल रीफ, ऑल आर मैराइन इकोसिस्टम। ये मैराइन इकोसिस्टम है, ये वाटर होते दोनों वाटर में है लेकिन फिर भी हमने इनको डिफरेंट इकोसिस्टम्स में रखा है। सो व्हाट एन इकोसिस्टम इज, तो फिर भी हम इकोसिस्टम किसको बोलते हैं, तो इकोसिस्टम इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी हैज़ कंट्रीब्यूटेड इन मैनी वेज टू द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कल्चर, एंड इन टर्न ह्यूमन कम्युनिटीज हैव प्लेड ए मेजर रोल इन शेपिंग द डाइवर्सिटी ऑफ नेचर एट जेनेटिक स्पीसीज एंड इकोलॉजिकल लेवल्स। तो ये इम्पोर्टेंस क्या है, इसने ह्यूमन के डेवलपमेंट को में एक बहुत ही अहम रोल प्ले किया है कि कैसे ह्यूमन डेवलप हुआ डिफरेंट इकोलॉजिकल लेवल्स पे, स्पीसीज में, जेनेटिक्स में, इन सब में। तो इनके रोल्स की बात करते हैं, इकोलॉजिकल रोल क्या है, इकोनॉमिकल रोल क्या है, साइंटिफिक रोल क्या है, चलिए देखते हैं करके। तो सबसे पहले इकोलॉजिकल रोल ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इकोलॉजिकल रोल क्या है, ऑल स्पीसीज प्रोवाइड एटलीस्ट वन फंक्शन इन एन इकोसिस्टम। तो कोई ना कोई स्पीसीज है, कोई ना कोई कम से कम एक फंक्शन तो वो अदा करता है, अपना एक फंक्शन तो देता है। ईच फंक्शन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द रेगुलेटिंग द स्पीसीज बैलेंस, स्पीसीज डाइवर्सिटी एंड स्पीसीज हेल्थ। तो जो इनके फंक्शंस हैं वो इंटीग्रल पार्ट किसी हैं, स्पीसीज बैलेंस के, स्पीसीज डाइवर्सिटी के एंड स्पीसीज हेल्थ के। मीन्स कि उसमें हेल्थ को बैलेंस, स्पीसीज की डाइवर्सिटी को बैलेंस, खुद के स्पीसीज को बैलेंस, इन सब का आस्पेक्ट्स है, वो इकोलॉजिकल रोल है इसका। ऑल एस्पेक्ट्स विच आर इंट्रिंसिक फॉर द इकोसिस्टम एज ए होल टू सर्वाइव एंड प्रॉस्पर। तो जो इंट्रिंसिक है यानी प्योर फॉर्म में है इकोसिस्टम में, तो उसके सर्वाइव के लिए और प्रॉस्पेरिटी, इसके डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक रोल ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इकोनॉमिक रोल क्या है, फूड, क्रॉप बायोडाइवर्सिटी ऑफ एग्रो बायोडाइवर्सिटी। तो हमने फूड के लिए क्या किया है, क्रॉप बायोडाइवर्सिटी को डेवलप किया है या एग्रो बायोडाइवर्सिटी को डेवलप किया है, क्योंकि डिफरेंट स्पीशीज हम बना रहे हैं, डिफरेंट क्रॉप्स की वैरायटीज बना रहे हैं जिससे कि हमको उसकी यील्ड ज़्यादा हो, उसकी फ्रूट ग्रोइंग या उसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो ज़्यादा हमको मिलें और हमको हमारा लाइफ सर्वाइव करने में हेल्प मिले। तो अल्टीमेटली फूड की बात कर रहे हैं हम, कि फूड के लिए हमने बायोडाइवर्सिटी को बहुत ही ज़्यादा ग्रो करने की कोशिश की है। नेक्स्ट है गुड्स, वेरियस थिंग्स लाइक टिम्बर, पेपर, मेडिसिन, इन सबको ग्रो करने के लिए, इन सबको बढ़ाने के लिए भी हमने बायोडाइवर्सिटी को एक्सेप्ट किया है, बायोडाइवर्सिटी को इंक्रीज करने की कोशिश की है। देन है
रिक्रिएशन, रिक्रिएशन के लिए वाइल्ड लाइफ टूरिज्म, ट्रैकिंग, नेचर, फोटोग्राफी, बर्ड वॉच, इन सब के लिए हमने इकोनॉमिक, इस तीनों के एस्पेक्ट से हमको इकोनॉमिक फ़ायदा होता है, इकोनॉमिक हमको बेनिफिट होता है, ये फूड के लिए, गुड्स के लिए और रिक्रिएशन के लिए। इसके लिए भी हमने बायोडाइवर्सिटी को अडॉप्ट किया है, इंक्रीज करने की कोशिश की है। नेक्स्ट है साइंटिफिक रोल ऑफ बायोडाइवर्सिटी। जेनेटिक रिसोर्सेज, बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग यूज द जीन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म टू मेक न्यू क्रॉप्स एंड मेडिसिन। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस की, हम डिफरेंट स्पीशीज, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट क्रॉप्स की वैराइटीज़ को इवॉल्व कर रहे हैं, नई नई वैराइटीज़ बना रहे हैं जिनसे कि हमको ज़्यादा बेनिफिट हो सके, वो साइंटिफिक रोल है। ईच स्पीशीज कैन गिव साइंटिफिक सम क्लू एज हाउ लाइफ इवॉल्व एंड विल कंटिन्यू टू इवॉल्व। तो इस स्पीशीज़ का जब हम इवॉल्व कर पा रहे हैं या उनका हम इवोल्यूशन कर रहे हैं, तो हमको हिंट देता है, क्लू देता है कि कैसे पहले हमने चेंज कर लिया या कैसे वो चेंज हुई है नेचुरली और कैसे आगे भी वो चेंज होती रहेंगी, कैसे बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज होती रहेगी। नेक्स्ट है थ्रेट्स टू द बायोडाइवर्सिटी। तो थ्रेट्स क्या हैं जो बायोडाइवर्सिटी से पैदा हो रहे हैं? हैबिटेशन डिस्ट्रक्शन, तो ये हैबिटेट है, जो भी क्रिएचर्स हैं वो डिस्ट्रक्ट हो रहे हैं, सिस्टम डिस्ट्रक्ट हो रहा है। देन पोल्यूशन, पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है, स्पीशीज इंट्रोडक्शंस, तो जो नई स्पीशीज इंट्रोडक्शन हो रहा है, स्पीशीज का जो नई नई वेराइटीज़ बना रहे हैं, उससे भी जो ओल्ड है या ओरिजिनल स्पीशीज है उनका विलुप्त होने की, उनका एक्सटिंक्ट होने की कगार पर है, उनका एक्सटिंक्शन हो रहा है। ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, तो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज हो रहा है क्योंकि जो नई स्पीशीज़ हैं उनके लिए हमको, सपोज हम कोई क्रॉप उगा रहे हैं उसके लिए हमको डिफरेंट फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत है या उसकी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, तो जब हम उसमें न्यूट्रिएंट ज़्यादा दे रहे हैं तो उसका अल्टीमेटली इफेक्ट ग्लोबल पे पड़ रहा है, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो इस तरह से ये पूरा इंटरकनेक्टेड है। तो बायोडाइवर्सिटी से ये प्रॉब्लम हो सकती है। देन एक्सप्लोइटेशन, तो एक्सप्लोइटेशन हो रहा है या जंगल काटे जा रहे हैं या उससे जो भी क्लाइमेट का चेंज हो रहा है, मीन्स कि हमारी पूरी इकोसिस्टम जो है डिस्टर्ब हो रहा है नई बायोडाइवर्सिटी क्रिएट करने से। देन कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉसेस, तो उसके कारण क्या हैं बायोडाइवर्सिटी लॉस जो हो रहे हैं? एटलीस्ट 40% ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी एंड 80% ऑफ द नीड्स ऑफ पुअर आर ड्राइव फ्रॉम द बायोलॉजिकल रिसोर्सेज। तो 40% जो वर्ल्ड की इकोनॉमी है और 80% जो पुअर लोग हैं वो बायोलॉजिकल रिसोर्सेज पे डिपेंडेंट है, नेचर पे डिपेंडेंट है। इन एडिशन द रिचर द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ द ग्रेटर द अपॉर्चुनिटी ऑफ मेडिकल डिस्कवरीज, इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स एंड एडेप्टिव रिस्पॉन्स टू सच न्यू चैलेंज एज क्लाइमेट चेंज। हालांकि जो डाइवर्सिटी हो रही है उससे हमको फ़ायदा हो रहा है, मेडिकल डिस्कवरीज हो रही हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन जो लोग नेचुरली इस पे डिपेंडेंट हैं उनका नुकसान हो रहा है, उनको उससे लॉस हो रहा है। कन्वेंशन ऑन द बायोडाइवर्सिटी वेबसाइट, तो ये हमने वेबसाइट भी बनाई है जो कि इसके लिए बायोडाइवर्सिटी के, जिससे देखा जा सकता है, उसकी वेबसाइट है www.biodive.org/doc/publication/cbd-leaflet-asp। तो हैबिटेट्स लॉस एंड डिग्रेडेशन, हैबिटेट्स का लॉस हो रहा है, डिग्रेडेशन हो रहा है, हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, हैबिटेट्स एंड डिग्रेडेशन, डिस्ट्रक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी रिच एरियाज लाइक ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में बायोडाइवर्सिटी से लॉस हो रहा है, डिस्ट्रक्शन हो रहा है। डिस्ट्रक्शन ऑफ कोरल रीफ्स एंड वेटलैंड्स, फ्लोइंग ऑफ ग्रासलैंड्स, एक्वाटिक इकोसिस्टम इन थ्रेटन्ड, पॉल्यूशन ऑफ फ्रेश वाटर स्ट्रीम, लेक एंड मैराइन हैबिटेट्स। अदर कॉज ऑफ डिक्लाइन क्या है? पॉल्यूशन ऑफ वेटलैंड्स, ओवर एक्सप्लोटेशन ऑफ रिसोर्सेस, कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज डैम्स, कॉमर्शियल हंटिंग एंड पॉचिंग। तो जो इंडिया की बायोडाइवर्सिटी को मैंने इस मैप में शो किया है, फर्स्ट है हिमालयाज। तो इंडिया में बायोडाइवर्सिटी क्या है? हिमालयाज, दिस मेजेस्टिक रेंज ऑफ माउंटेन्स इज होम ऑफ डाइवर्स रेंज ऑफ फ्लोरा एंड फ्यूना। यहाँ पे डिफरेंट तरह के फ्लोरा एंड फ्यूना है, ये हिमालय रेंज है इंडिया की। ईस्टर्न हिमालय इज वन ऑफ द टू बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स इन इंडिया। तो ईस्टर्न जो हिमालय है इस साइड में, जो ये हॉटस्पॉट हो गया, मीन्स यहाँ के ज़्यादा लॉसेस हुए हैं। नेक्स्ट है चिल्का, दिस वेटलैंड एरिया इज प्रोटेक्टेड अंडर द रामसर कन्वेंशन। तो
तो ये रामसर कन्वेंशन के अंडर में इसको प्रोटेक्ट किया गया है चिल्का को। सुंदरबंस या सुंदरबंस द लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट इंडिया, तो ये लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट है यहाँ पे, तो इसको भी कंजर्व करने की कोशिश की गई है। वेस्टर्न घाट्स वन ऑफ द टू बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन इंडिया। तो वेस्टर्न घाट्स से जो वायलेट कलर से शो किया गया है ये स्मॉल पार्ट, ये भी वेस्टर्न घाट्स में हॉटस्पॉट है। एंड थार डेजर्ट जो कि इंडिया में राजस्थान गुजरात में फैला हुआ है, ये भी क्लाइमेट एंड वेजिटेशन इन एरिया इज ए कॉन्ट्रास्ट टू द हिमालय रीजन, तो ये भी इसके कॉन्ट्रास्ट में अपोजिट है। यहाँ पे तो वेजिटेशन है ही नहीं है, यहाँ पे हिमालय में फुल वेजिटेशन है, ज़्यादा वेजिटेशन है, जबकि डेजर्ट एरियाज में नहीं है। नेक्स्ट है थ्रेटन स्पीसीज इन इंडिया, तो स्पीसीज में कितनी कितनी थ्रेटन है। हायर प्लांट्स में अबाउट 244 टू जो थ्रेटन्स में है, जो कि 18,664 में से इतनी खतरे में है। मैमल्स में 88 स्पीसीज आर इन थ्रेट्स। ब्रीडिंग बर्ड्स में 72, रेप्टाइल्स में अबाउट 25, एम्फीबियंस में अबाउट 3 एंड फिश में अबाउट 9 स्पीसीज आर इन थ्रेट। तो कंपेरेटिव स्टेटमेंट ऑफ रिकॉर्डेड नंबर ऑफ एनिमल स्पीसीज इन इंडिया एंड वर्ल्ड, तो स्पीसीज में कंपेरिजन किया है, टेक्सा एंड स्पीसीज वर्ल्ड एंड परसेंटेज ऑफ इंडिया टू द वर्ल्ड। तो ये प्रोटिस्टा है, मोलुस्का है, आर्थ्रोपोडा, अदर इन्वेस्टबेट्स, प्रोटोकरेडाटा, पिकासिस, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एवेस, मैमल्स, ये कुछ इसका परसेंटेजेस दिए गए हैं जो कि इंडिया में और वर्ल्ड के कंपेरिजन में बताए हैं। इज द बायोडाइवर्सिटी ऑफ द इंडिया अंडर थ्रेट, तो क्या भारत की जो डाइवर्सिटी है वो थ्रेट के अंडर में है। यस, अबाउट 10% ऑफ द इंडियन प्लांट स्पीसीज आर अंडर थ्रेट, तो अबाउट 10% जो स्पीसीज है वो अंडर थ्रेट है। मोर देन 150 मेडिसिनल प्लांट्स हैव डिसअपियर्ड इन द रिसेंट डिकेड्स, अबाउट 150 प्लांट्स ख़त्म हो गए हैं जो मेडिसिनल थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, वो ख़त्म हो गए हैं। अबाउट 10% ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स, 20% ऑफ द मैमल्स एंड अबाउट 5% ऑफ द बर्ड्स आर थ्रेटन्ड, तो 10% फ्लावर ख़त्म हो गए हैं या ख़त्म होने के कगार पे हैं, 20% मैमल्स, 5% बर्ड्स, ये सब थ्रेट में हैं। इम्पैक्ट ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, तो इम्पैक्ट क्या है उसे। इंक्रीज वल्नरेबिलिटी ऑफ द स्पीसीज इन एक्सटिंक्शन, तो एक्सटिंक्शन में ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो रहा है, रिड्यूस सोर्स ऑफ फूड, स्ट्रक्चरल मटेरियल्स, मेडिसिनल एंड जेनेटिक रिसोर्सेज, तो जो उनके जेनेटिक रिसोर्सेज आ रहे थे जो पहले वाली स्पीसीज थी, मेडिसिनल पर्पज़ के लिए हो या स्ट्रक्चरल मटेरियल्स हो, जो भी हमको उससे मिल रहा था, फूड मिल रहा था, वो भी मिलना बंद हो गया है। जब ऑब्वियसली जब स्पीसीज ही ख़त्म हो गई तो उनसे बेनिफिट मिलना भी बंद हो गया है। कॉस्ट इंक्रीज टू सोसाइटी, तो जब वो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, बहुत रेयर बची हैं, तो उनका कॉस्ट बढ़ गया है, कॉस्ट बढ़ गया है, अल्टीमेटली ह्यूमन के लिए ही बेनिफिशियल थे, तो अब कॉस्ट भी ह्यूमन को ही देना पड़ रहा है उसका। सो फ्रेंड्स, ये तो थे आज का लेक्चर जिसमें हमने देखा कि बायोडाइवर्सिटी क्या है, उसके डिफरेंट सिस्टम्स क्या है बायोडाइवर्सिटी के, स्पीसीज के बारे में कौन कौन से होते हैं, इकोसिस्टम में कौन से, इन सब के बारे में डिटेल में देखा। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।